Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of public awareness और लीगल लेक्चर भी है जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या लॉयर्स हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद है और पब्लिक अवेयरनेस के अंदर इस टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। हमारा आज का टॉपिक है, मैं मज़ीद इसके बारे में सस्पेंस क्रिएट करने से पहले इस टॉपिक का जिक्र करता चलूँ फिर इसके बारे में आपको बताऊँगा। हमारा आज का टॉपिक है हरासमेंट ऑफ वुमेंस, ब्लैकमेलिंग ऑफ गर्ल्स, औरतों को हरासा करना, लड़कियों को ब्लैकमेल करना नूड पिक्स के ज़रिए, किसी को ये कहना कि आपकी नूड वीडियोज़ या सेक्सुअल कंटेंट हमारे पास है जिसको हम लीक कर देंगे, इसके इवज़ आप ये करें वो करें, हमारी ये नीड पूरी करें वो नीड पूरी करें, या किसी की जेन्युइन पिक्स को, नॉर्मल पिक्स को एडिट करके सेक्सुअल कंटेंट बनाना, एक ऐसा गैर इखलाकी मवाद बनाना तस्वीरों की सूरत में या वीडियोज़ की सूरत में और फिर उसको शो करवाना, उसको वायरल करना सोशल मीडिया के ऊपर, किसी शख्स को बदनाम करने के लिए, उसकी रिप्यूट को ख़राब करने के लिए, उसको मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर करने के लिए, उससे अपनी गैर इखलाकी ज़रूरियात। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको काबिले ज़िक्र बताता चलूँ, लॉ ने यहाँ पर यह वर्ड स्पेसिफाई नहीं किया कि आप इस चीज़ के इवज़ गैर इखलाकी ज़रूरियात पूरी करवाओगे या इखलाकी। जुर्म के इवज़ में जिसको लॉ ने जुर्म डिक्लेयर कर दिया है, जिसको लॉ ने क्राइम कह दिया, उसके इवज़ चाहे आप नेक काम भी करो तब भी गैर इखलाकी है, तब भी गैर कानूनी है, तब भी इसकी शरण कानूनन कोई हैसियत नहीं। किसी शख्स को ब्लैकमेल करके चाहे आप उससे नेक काम ही क्यों ना करवाओ, जारी बात है वो भी काम वो मजबूरी में कर रहे हैं, तो लिहाजा लॉ ने यहाँ पर स्पेसिफाइज नहीं किया है। ऑनरेबल कोर्ट की क्लियर कट इसके ऊपर जजमेंट भी आ चुकी है कि किसी को ब्लैकमेल करके सही काम भी नहीं करवाया जा सकता, गलत तो दूर की बात है। तो किसी शख्स को, किसी लड़की को, किसी औरत को ब्लैकमेल करना, आया उसकी वो जेन्युइन तस्वीरें हैं या जेन्युइन पिक्स हैं या एडिट की गई है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात जो उसने कही हो, उस बात के इवज़ में उसको कहना कि हमें अपनी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की नूड पिक्स सेंड करें, सेक्सुअल कंटेंट सेंड करें, या किसी को मजबूर करना, या किसी की किसी एक फैक्ट को फर्दर प्रोसीड करवाते हुए उसको मज़ीद वो काम करने पर मजबूर करवाना, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को इंड्यूस करना, किसी को इंटाइज करना, इंटीमिडेट करना, डराना धमकाना, किसी काम की तरफ रागब करना, माइल करना, उकसाना, किसी भी सेंस में, किसी भी तरह से किसी भी शख्स को, कोई भी शख्स डराता है, धमकाता है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीरें वायरल कर दूंगा, मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको एडिट कर दूंगा, या मुझे मज़ीद तस्वीरें भिजवाओ, या मज़ीद तस्वीरें दो, या इसके अवज़ मुझे इतने पैसे दो, या मेरे ये काम करो, या इस तरह से करो, किसी भी सेंस में अगर कोई शख्स किसी लड़की को, किसी औरत को, इवन दो किसी मर्द लड़के को भी ब्लैकमेल करता है, तो ये तमाम क्राइम, तो ये तमाम एक्ट साइबर लॉज के तहत, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत डील करवाए जाएंगे। बताना इसके अंदर, आपको डिलीवर करना जो मेरा मकसद है, मेरा पर्पस वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, किस एक्ट को, किस जुर्म को डील करती है, किसको डील नहीं करती, और कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस हैं कि जी FIA को हमने एप्लीकेशन दी लेकिन उन्होंने बोला कि ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, तो वो लोग क्या करें। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ऐसे कौन से एक्ट हैं किसी भी शख्स के जो वो किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, किसी की नूड पिक्स, सेक्सुअल कंटेंट, नूड वीडियोस, सेक्सुअल वीडियोस को बना रहा है एडिट करके, या उसके हाथ लगी हैं उनको वो आगे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, या उसको किसी से मिली थी तो वो उसके इवज़ में धमकी दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, किसी भी सेंस में उससे कोई मफाद ले रहा है, कोई नीड्स अपनी पूरी करवा रहा है, तो वो कौन से कंटेंट हैं जिनको FIA डील कर सकता है, जिनकी इन्वेस्टिगेशन FIA कर सकता है, और उनकी सज़ा क्या होगी। और समटाइम ये होता है कि हम किसी को तस्वीर सेंड नहीं करते, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमने जी किसी को भी तस्वीर सेंड नहीं की, हमने किसी को वीडियो सेंड नहीं की, लेकिन हमारी वीडियो लीक होगी, तो वो वीडियोस कैसे लीक होती हैं उनको भी मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा IT लॉज के तहत कि वो कैसे लीक होती हैं, और उनकी आया एडिटिंग होती है या एडिटिंग नहीं होती, या लॉ ने एडिटिंग को एक्सेप्ट किया है, एडिटिंग का बोला है या नहीं बोला,
एडिटिंग वाली पिक्स और नॉन एडिटिंग पिक्स दोनों को कैसे लॉ डील करता है या FIA डील करती है, इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यह नहीं बोलूंगा कि मेरे आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, एक चीज़ आपसे ज़रूर बोलूँगा, इस सोसाइटी में, इस माशरे में, इस मुल्क में, चाहे आप जहाँ भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या किसी और स्टेट कंट्री के आप शहरी हैं, ऐसी बहुत सी लड़कियाँ, ऐसी बहुत सी गर्ल्स, ऐसी बहुत सी वुमेंस हैं जो इस अजियत से गुज़र रही हैं, लेकिन डर, मजबूरी, खौफ और बहुत से इश्यूज़ की वजह से किसी से वो ज़िक्र नहीं करते, किसी को वो अपनी प्रॉब्लम बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ इस ऐसे अजियतनाक चुंगल में फंसी हुई हैं जिससे उनका क्योंकि ज़ाहरी बात है, आप किसी भी चीज़ से तब तक नहीं निकल पाते जब तक आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो या आपको किसी की सपोर्ट ना हो। इशू ये है कि इंफॉर्मेशन है नहीं, नॉलेज है नहीं कि कैसे डील करना है, और उससे बड़ी तकलीफ, उससे बड़ा इशू ये है कि सपोर्ट भी कोई नहीं है। तो लिहाजा मेरा इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का मकसद आज सिर्फ एक है। मैं अपनी हर वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, अपने फ़ोन नंबर्स की जो आपकी लिस्ट है उसके अंदर जितनी भी गर्ल्स हैं उन सबको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है उनमें से बहुत सी ऐसी गर्ल्स जो इस मुसीबत में, इस मुश्किल में, इस परेशानी में फंसी हों और उनके पास निकलने का कोई रास्ता ना हो, उनके पास निकलने का कोई रीज़नेबल सोर्स वे ना हो, और वो अपने आप के अंदर घुट घुट के ना सिर्फ मर रही हों बल्कि इन ऐसे शर पसंद अनासर के हाथों का खिलौना भी बन रही हैं। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को हर लड़की तक जितना पॉसिबल हो सके ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है किसी की बहन, किसी की बेटी आपकी इस काविश से ज़रूर, इस मुसीबत से बाहर निकल सके और उसके पास अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने का, अपने आप को सिक्योर करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे इस लेक्चर की सूरत में उसको मिल सके। तो काइंडली इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने सोशल सर्कल्स के अंदर मुकम्मल तौर पर और स्पेशली गर्ल्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लड़की अपने आप को बता नहीं सकती किसी शर्म में, किसी मजबूरी में, वो अपनी बात किसी के सामने बयान नहीं कर सकती और रोज़ इस मुसीबत का, इस मुश्किल का, इस दर्दनाक अजियत के अंदर वो दिन गुजार रही है, वो भुगत रही है इस मुसीबत को, वो कम से कम अपने आप को इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। इस लेक्चर के ज़रिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हम बताएंगे कि वो अपने केस को कैसे डील कर सकती हैं, किस तरह से प्रोसीड कर सकती हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो गर्ल्स जो बता नहीं पा रही किसी को, वो प्राइवेसी के ज़रिए अपनी इज्जत को भी महफूज रख सकेंगी, अपने आप को किसी के सामने और मज़ीद लोगों के सामने शो ऑफ करवाने से भी वो बच सकेंगी, और एक बेहतर कम्पिटेंट अथॉरिटी के ज़रिए उनकी रेडरिसल भी हो जाएगी, उनको इंसाफ भी मिल जाएगा और वो इस अजियत, इस मुश्किल परेशानी से निकल भी सकती हैं आपके ज़रिए, आपके सोर्स से, आपके सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, कोई अपनी पूरी ज़िंदगी जो इस अजियत में गुजार रहा है उससे उसको छुटकारा हासिल हो सकता है। तो लिहाजा एक क्लिक शेयर का अपने तमाम सर्कल्स में, और स्पेशली जो गर्ल्स की आपके पास नंबर सेव हैं या जो गर्ल्स हैं उनकी जो फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उन सब तक इस लेक्चर को पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है, आप तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी थी। सो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर रहा हूँ, आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको करंटली फुलफ़िल कीजिएगा। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, इसका सेक्शन 21, इसकी मैं आपको वर्डिंग बताऊँगा कि अगर कोई इन पैरामीटर्स के तहत ब्लैकमेल हो रहा है, किसी को तंग किया जा रहा है, किसी को, किसी की प्राइवेसी को लीक किया जा रहा है, तो इनके ज़रिए वो एक कंपिटेंट अथॉरिटी में, आपको वो भी बताऊंगा कि वहाँ पर आपने कैसे डील करना है, कैसे आपने उस अथॉरिटी से रजू करना है और अपनी रेडिसल करवा सकते हो। सेक्शन 21, ऑफेंस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन और माइनर। किसी भी नेचुरल पर्सन, लाइक एक इंसान, दो लॉ के अंदर पर्सन के लिए दो वर्ड यूज़ होते हैं, ये भी याद रखिएगा, एक वर्ड नेचुरल पर्सन, सेकेंड वर्ड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मैं, आप, हर वो शख्स जो मुझे सुन रहा है, जो देख रहा है, जो एक कुदरती तौर के ऊपर अपने मामलात को फुलफ़िल करता है, और जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसको हम कंपनी कहते हैं, कंपनी जितनी भी कंपनीज हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया है साइबर लॉ ने कि नेचुरल पर्सन की मोडेस्टी को डैमेज करना, मोडेस्टी क्या है, किसी की शर्म, हया, उसी की प्राइवेसी, उसका ऐसा एक्ट जिसने दुनिया से छुपाया है, जो दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया, और कोई शख्स उसको जाहिर कर रहा है और उसके बस कोई मफाद ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है, या
अगर कोई मफाद बेनिफिट नहीं भी ले रहा तो उसके इवज़ वो अपनी तस्कीन, मैं यहाँ पर यह भी बताऊँगा कि सिर्फ मफाद या किसी को ब्लैकमेल करना ही नहीं, किसी की प्राइवेसी को शो ऑफ करना भी साइबर लॉ के इस सेक्शन के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जा सकती है। और शो ऑफ करने का पर्पज़ क्या है वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ, कोई शो ऑफ क्यों करता है और किस तरह से किया जाता है, क्या कोई किसी को अपनी सिर्फ तस्वीरें सेंड करे तो कोई शो ऑफ होता है, या कोई अगर किसी शख्स ने अपनी तस्वीरें किसी को सेंड की ही नहीं, वीडियोस बनाई ही नहीं, फिर भी उसकी वीडियो बन गई, फिर भी उसकी ऐसी नूड सेक्सुअल कंटेंट बन गया, तो उसको वो कैसे प्रोसीड करेगा। इसको पढ़ते हैं आगे। हूएवर इंटेंशनली एंड पब्लिकली एग्जिबिट और डिस्प्ले और ट्रांसमिटेड एनी इंफॉर्मेशन विच, अब ये नीचे चार पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर जो जो चीज़ पूरी उतरती है वो तमाम साइबर लॉज कहलाएंगे और उन तमाम अशखास के खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई करवाई जा सकती है। फर्स्टली हूएवर इंटेंशनली, जो अपनी नीयत के साथ एंड पब्लिकली अवामी तौर पर एग्जिबिट नुमाइश करे और डिस्प्ले जाहिर करे ट्रांसमिट एनी इंफॉर्मेशन विच इज, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन चार पॉइंट्स में बताई गई, पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सुपर इम्पोज अजाफा करना, एडिशन कर देना अ फोटोग्राफ किसी तस्वीर में ऑफ अ फेस किसी चेहरे में ऑफ अ नेचुरल पर्सन, एक जो कुदरती पर्सन है उसके साथ, ओवर एनी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो, किसी भी तस्वीर वीडियो में किसी शख्स का फेस लगा देना या किसी शख्स के फेस के नीचे जो बॉडी है वो कोई और लगा देना, कोई ऐसा सेक्सुअल कंटेंट लगा देना, कोई ऐसा न्यूड कंटेंट लगा देना, न्यूड बॉडी लगा देना, कि यानी कि फेस एक शख्स का ओरिजिनल है लेकिन उसके नीचे जो बॉडी लगाई गई वो उसकी है ही नहीं, वो कहीं और से एडिट करके साथ जोड़ दी, या उसकी फेस को किसी ऐसी वीडियो के अंदर फिक्स कर देना एडिटिंग के ज़रिए कि जिससे बज़ाहिर ये लगे कि ये वीडियो इसी की है, ये जो सेक्सुअल कंटेंट है ये इसी का है। फर्स्टली कोई शख्स ये काम करता है। सेकेंडली इंक्लूड, शामिल होंगे फोटोग्राफ और अ वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन, किसी भी शख्स के फोटोग्राफ्स वीडियोस ऑफ नेचुरल पर्सन कुदरती शख्स के, एनी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट, उसका कोई ऐसा सेक्सुअल कंडक्ट, ऐसा सेक्सुअल रद्द अमल, चाहे वो कोई किस कर रहा है या कोई ऐसा इंटरकोर्स जो उसने, एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चाहे ये जेन्युइन है या आर्टिफिशियल है, दोनों सूरतों में लॉ ये नहीं कहता है कि जी अगर किसी ने कॉपी किया है या ये जेन्युइन नहीं है तो क्रिमिनल को सजा नहीं मिलेगी, किसी भी सूरत में किसी भी शख्स की रिप्यूट को जिससे नुकसान हो सकता है, हुआ है या होगा या हुआ था, इन तमाम सूरतों में क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी और वो सख्त से सख्त सज़ा का हकदार ठहरेगा। तो किसी की ऐसी पिक्स जो सेक्सुअल कंटेंट के अंदर हो, किसी की ऐसी वीडियो जो सेक्सुअल कंटेंट के अंदर हो, उनको जाहिर करना, उनको पब्लिकली करना, उनकी नुमाइश करना, उनको पब्लिकली करना, उनकी नुमाइश करना। थर्ड पॉइंट, इंटीमिडेट अ नेचुरल पर्सन, डराना धमकाना किसी नेचुरल, मैं एक एक वर्ड का तर्जमा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ सके कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं या हो सकती हैं तो आप किसी के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। इंटीमिडेट और नेचुरल पर्सन, किसी नेचुरल शख्स को, कुदरती शख्स को डराना धमकाना विद एनी सेक्सुअल एक्ट, किसी सेक्सुअल एक्ट के ज़रिए उसका कोई ऐसा काम, उसका कोई ऐसा सेक्सुअल काम जो उसने पहले किया हो या कर रहा हो और उसके ज़रिए उसको डराना धमकाना, और एनी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज, उसकी किसी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज यानी कि किसी सेक्सुअल इमेज को, तस्वीर को जाहिर करना, नुमाया करना, और वीडियो, और वीडियो को फॉर नेचुरल पर्सन के किसी भी नेचुरल पर्सन को डराना धमकाना उसके सेक्सुअल एक्ट के साथ या उसका कोई ऐसा सेक्सुअल एक्ट जो उसने किया है उसको जाहिर करना, उसको जाहिर करने की धमकी देना, या ये कहना कि मैं अगर इसको जाहिर कर दूंगा बाई वज़ मुझे इतना पैसा दो या मेरी ये नीड्स है, ये ज़रूरियात है, इसको पूरी करो, या कोई भी उससे काम करवाना। फोर्थ पॉइंट, कल्टिवेट्स, किसी राह के ऊपर चलाना, इंटाइज उकसाना वर्गलाना, इंड्यूस रागिब करना माइल करना अ नेचुरल पर्सन कुदरती शख्स को टू इंगेज एनी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट, किसी शख्स को रागिब करना माइल करना उसको उकसाना किसी राह के ऊपर लगाना कि वो इस रास्ते के ऊपर चले अपना सेक्सुअल कंटेंट जाहिर करे शो करे या हमारे साथ शामिल हो जाए और शामिल होकर ये सेक्सुअल काम करे ये इंटरकोर्स करे या ये काम करे वो काम करे या अपनी तस्वीरें ही हमें सेंड करे अपनी नूड वीडियोस बनाकर हमें सेंड करे अपनी नूड पिक्स बनाकर सेंड करे एक चीज़। दूसरी चीज़ अब यहाँ पर एक और होता है सवाल, अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जी हमने तो अपनी पिक्स किसी को सेंड की नहीं तो फिर ये कैसे लीक होगी। तो होता ये है कि सम टाइम कोई शख्स अपने मोबाइल के अंदर अपनी पिक्स बना रहा है इवन दो वो नॉर्मल है या नूड, जब वो अपने मोबाइल को सेल करता है तो उसका रिकवर सॉफ्टवेयर, एक रिकवरी सॉफ्टवेयर के जरिए उसके कंटेंट को, मवाद को रिकवर किया जाता है।
अगर उसके अंदर नूड पिक्स हैं तो जारी बात वो भी रिकवर हो जाएंगी। तो इससे होता क्या है कि वो नूड पिक्स ये जो डिफरेंट शॉप्स वाले हैं ये हासिल करने के बाद उनको वायरल कर देते हैं। तो फर्स्टली आप अपने मोबाइल को रिस्टोर करें अच्छे से और उसके अंदर दोबारा से फिर एक नॉर्मल डाटा डालें 3-4-5 GB का, छोटी छोटी फाइल्स उनको फिर रिस्टोर करें, फिर अपने मोबाइल के अंदर कुछ ऐसा डाटा डालें उसको फिर रिस्टोर करें। इससे ये होता है कि रिकवरी सॉफ्टवेयर बहुत मुश्किल से किसी चीज़ को रिकवर कर पाता है, और अगर वो रिकवर करेगा भी तो जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो उनको रिकवर करेगा जो आपने सबसे लास्ट के उसके अंदर डाटा जो आर्टिफिशियल डाटा जो आपने डाला है। तो इससे एक्चुअल चीज़ों का रिकवर होना बहुत हद तक कम हो जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ को ज़रूर इंप्लीमेंट करें, और अगर कोई शख्स ऐसी कार्रवाई करता भी है तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट होगा। आप ऐसे अशख़ास के खिलाफ, किसी ऐसी शॉप वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करवा सकते हैं कि मैंने किसी को पिक नहीं दी, फलां शख्स को मोबाइल दिया था, उसने मेरी पिक्स को एडिट करके ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया। तो यहाँ पर एक चीज़ काबिल जिक्र बताता चलो कि आप अपनी इज्जत को और भी महफूज रख सकते हैं। अगर आप FIA को ये बोलें ये मेरी वीडियोज़ को एडिट करके, एडिटिंग करके इनको चेंज किया गया है, नूड्स जो बॉडी है बनाई गई है, ये सेक्सुअल कंटेंट बनाया गया, तो ये भी इससे आपका केस कमज़ोर नहीं होता। तो लिहाजा इससे आप अपनी इज्जत को भी मेंटेन रख सकते हो, सिक्योर रख सकते हो, और उस शख्स के खिलाफ भी वही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो इन तमाम सेक्शन में कही गई है। यानी कि कोई भी शख्स किसी की पिक्स वायरल करे, उसकी पिक्स को किसी और के साथ एडिटिंग करके जोड़े, या उसकी ओरिजिनल पिक्स को शो ऑफ करे, या उसको इंस्टिगेट करे कि आप मुझे अपनी जो नूड पिक्स हैं या नूड वीडियोज़ हैं वो बनाकर सेंड करो या बनाकर दो, या अगर उसके पास ऑलरेडी हैं और वो आपको कहता है कि मैं आपकी वीडियोस को वायरल कर दूंगा, पिक्स को वायरल कर दूंगा, आपको बदनाम कर दूंगा वगैरह वगैरह, तो इन तमाम सूरतों में आप साइबर लॉज के तहत इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत उस शख्स के खिलाफ सेक्शन 21 के जरिए कार्रवाई करवा सकते हैं FIA को कंप्लेंट करके। वो भी मैं आपको अगले सारा प्रोसीजर बताता हूँ। इसकी सज़ा, इसको पहले कंप्लीट कर लें। थ्रू एनी इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू हार्म, नुकसान पहुँचाना नेचुरल पर्सन, टू हिज रेपुटेशन, इसकी इज्जत को, और टू टेक रिवेंज, कोई बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए, और टू क्रिएट हेटर्ड, और टू ब्लैकमेल करने के लिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 5 ईयर विद फाइन विच में एक्सटेंड 5 million rupees और बोथ। 5 साल तक ये सज़ा या इससे बढ़ाई भी जा सकती है, 5 million जुर्माना या इससे भी इसको ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। हूएवर कमिट एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 विद रिस्पेक्ट टू माइनर, अगर कोई माइनर के साथ यही जुर्म करता है, यही तमाम पैरामीटर्स अगर लड़की के साथ होंगे या किसी मर्द के साथ होंगे तो 5 साल या इससे बढ़ाई जा सकती है सज़ा, और 5 million rupees फाइन या इससे भी बढ़ाया जा सकता है जुर्माना। और अगर किसी बच्चे के साथ, माइनर के साथ किया जाएगा तो इसके अंदर जो सज़ा है वो 7 ईयर और इसे बढ़ाई जा सकती है, और जो जुर्माना है वो 5 million और इसे बढ़ाया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट इन केस सच हु हैव प्रीवियसली कन्विक्टेड, जो इससे पहले इसी जुर्म में या किसी और जुर्म में कन्विक्टेड हो शख्स ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 के अंदर, ये अभी मैंने आपको ऑफेंस बताए हैं 4, ये करता है, तो उसकी सज़ा 10 साल तक होगी और विद फाइन, यही वाला फाइन होगा। अच्छा जी, अब नीचे एनी एग्रीव्ड पर्सन, जो भी इफेक्टेड पर्सन है, विक्टम पर्सन है, वो इन चीज़ों को रिमूव कैसे करवाए, वो भी सब सेक्शन 3 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में साइबर लॉज के अंदर मेंशन है कि आप इन चीज़ों को, तस्वीर, अगर आपकी पिक्स, अगर किसी शख्स की पिक्स वायरल हो गई हैं, नूड पिक्स, सेक्सुअल कंटेंट किसी ने शो ऑफ कर दिया है, जाहिर कर दिया है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर, तो आप इसको रिमूव कैसे करवाएं। एनी एग्रीव्ड पर्सन और हिज गार्डियन, उसके पेरेंट्स, वेयर सच पर्सन इज अ माइनर, मे अप्लाई टू द अथॉरिटी ऑफ रिमूवल। अथॉरिटी कौन सी है ये भी मैं आपको बताता हूँ, FIA किस सेक्शन के तहत इसको डील करती है। डिस्ट्रैक्शन और ब्लॉकिंग एक्सेस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन रेफर टू सब सेक्शन 1 एंड अथॉरिटी ऑन रिसीप्ट ऑफ सब एप्लीकेशन शेल फोर्थ वाइड। बहुत जल्दी जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो अथॉरिटी को, FIA को साथ में ये भी एप्लीकेशन देगा कि फलां शख्स ने फलां जगह के ऊपर मेरे कंटेंट को शो किया हुआ है, जाहिर किया हुआ है, फैलाया हुआ है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, या मेरी रिप्यूट को नुकसान पहुंच रहा है, मुझे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उस कंटेंट को रिमूव किया जाए, डिस्ट्रैक्ट किया जाए, तो FIA एज सुन एज उस स्पेशल ऐप से डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल फेसबुक पर है, यूट्यूब पर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यूट्यूब का तो अपना सिस्टम बहुत इंप्रूव है, तो यूट्यूब के ऊपर सेक्सुअल कंटेंट लेकर आना वैसे ही इम्पॉसिबल है, यूट्यूब की जो टीम है इसके वैसे पहले ही कैप्चर कर लेते, तो जनरली अगर वो फेसबुक पर है या किसी और सोशल मीडिया ऐप के ऊपर है तो वहाँ से FIA इसको रिमूव करवाएगी जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, जल्द अज जल्द। तो आप उसको रिमूव करवाने के लिए भी FIA को इसी सेक्शन के सब सेक्शन 3 के तहत FIA कंप्लेन दे सकते हैं। कार्रवाई आपने सब सेक्शन 1 के तहत करवानी है, सेक्शन 21 सब सेक्शन 1, और रिमूवल करवानी है सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 के तहत। एंड अब आते हैं कि कंप्लेंट कैसे दें। फर्स्टली अगर आप रिटर्न कंप्लेंट बाय हैंड देते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इससे आपको डायरी नंबर मिल जाएगा, उस डायरी नंबर से आप कार्रवाई जल्दी करवा सकते हैं, इसको फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं। बट अगर आप
लाहौर में नहीं है। अब कंप्लेन कैसे देनी, कंप्लेन आपने डायरेक्टर FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को या डायरेक्टर जनरल FIA DG FIA को आपने कंप्लेन मूव करनी है। अगर आपके रीजन में लाइक लाहौर के अंदर तो FIA का हेड ऑफिस है, अगर आपके किसी शहर में FIA का हेड ऑफिस नहीं, FIA का थाना या दफ्तर नहीं, तो आप लाहौर के DG डायरेक्टर जनरल को भी कंप्लेन डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, भिजवा सकते हैं ईमेल के जरिए या इन रिटर्न फॉर्म पोस्ट के जरिए। सबसे बेहतर है कि अगर आप बाई हैंड जाकर लाहौर के जो FIA का हेडक्वार्टर है, FIA का जो थाना है, वहाँ पर बाई हैंड दें ताकि आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक डायरी नंबर लग जाए। डायरी नंबर मीन टू से एक ऐसा नंबर जिसे आपको पता हो कि आपकी कंप्लेंट का ये नंबर है, और अगर FIA उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही तो आप कोर्ट से रजू करके FIA से जल्द वो कार्रवाई तकमील करवा सकते हैं, कार्रवाई अमल में ला सकते हैं, और FIA आपकी जो कंप्लेंट है उसको एज सुन एज आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। रिटर्न कंप्लेंट आपने देनी है बाई हैंड तो सबसे बेहतर है, अदरवाइज आप FIA की वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेन भी सबमिट करवा सकते हैं। एज ए प्रूफ आपने क्या रखना है, अगर आपको ये सेक्सुअल कंटेंट किसी शख्स का मिलता है जिसने कंप्लेन करनी है, तो उसके स्क्रीनशॉट जो कि कॉरोबोरेटिव प्रूफ है आजकल लॉ ऑफ एविडेंस के अकॉर्डिंगली, इसके अंदर हमने लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं, स्क्रीनशॉट्स आपने, या कोई शख्स अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे पास आपकी पिक्स हैं और मैं इनको वायरल कर दूंगा, उन पिक्स का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, होता ये है कि कोई लड़की, उसका कोई ऐसा रिलेशन वाला लड़का जो उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है, तो उसका नाम लिखा होता है नंबर के ऊपर जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो आपने उस नंबर के ऊपर वो जो नाम लिखा हुआ उसको रिमूव करना है ताकि स्क्रीनशॉट में उस शख्स का नंबर भी जाहिर हो। क्योंकि जनरली केसेस के अंदर होता क्या है, जब हम इसको ट्रायल में लेकर जाते हैं, ट्रायल में प्रूफ करना, चूंकि ये ट्रायल की बातें आपको बता रहा हूँ कि ट्रायल में जो डिफेंस काउंसिल होती है, जो मुजरम का वकील है, वो ये प्ली लेता है कि जी जनाब ये नंबर तो मेरे क्लाइंट का है ही नहीं, मेरे मोकल का है ही नहीं, इस नंबर के ऊपर तो नाम लिखा हुआ है, तो नाम तो आप किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी लिख दो। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें, जब भी आपने किसी स्क्रीन शॉट को लेना है प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए, तो उसके ऊपर अगर नाम लिखा हुआ है आपने, उसको सेव किया हुआ है, तो उस नाम को फौरी तौर के ऊपर डिलीट कर दें और फिर वो स्क्रीनशॉट लें, देन ये ऑथेंटिक और कॉरोबरेटिव प्रूफ बनेगा। और वो स्क्रीनशॉट किसी सोशल ऐप से, व्हाट्सएप से या कहीं से भी आप ले सकते हो। अगर उसने वॉइस मैसेज सेंड किया है तो उस वॉइस मैसेज को, चूंकि आप व्हाट्सएप डिलीट कर देता है परमानेंटली, इसने ये ऑप्शन दिया है, तो जैसे ही कोई वॉइस मैसेज आया उसको इमीडिएटली अपने किसी और नंबर पर सेंड कर दें, जिससे ये प्रूफ रह जाएगा। थोड़ा सा ये वीक है, चूँकि जितनी दफ़ा फाइल ट्रांसफ़र होती है उतना ही ज़्यादा वो कमज़ोर होती जाती है, बट फिर भी वॉइस अटेस्टेशन के जरिए इस चीज़ को प्रूफ किया जा सकता है कि ये आवाज़ इसी शख्स की है या किसी और शख्स की है। तो लिहाजा ये दो काम जितना जल्दी और जितने बेहतर तरीके हो सके इसको ज़रूर परफॉर्म करें, ये आपके लिए एक ऑथेंटिक और कॉरोबरेटिव एविडेंस होगी। उसके बाद एप्लीकेशन के साथ आपने इन दोनों एविडेंस को भी अटैच कर देना है, एविडेंस एप्लीकेशन आपने फॉरवर्ड कर देनी FIA को, और साथ ही आपने दूसरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 के तहत, कि मेरी ये जो पिक्स हैं, वीडियोस हैं, फलां जगह के ऊपर, फलां प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, इनको रिमूव करवाया जाए, इनको हटाया जाए। द लेक्चर इज कंप्लीट, आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस, और वीडियोस को शेयर जरूर किया करें अपने तमाम सोशल सर्कल्स के अंदर अपने दोस्तों के साथ। दोबारा हाजिर हूँगा एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।